तो भाई रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर मैच का करेंट बैटिंग ऑर्डर सुनकर आप सच में खुश हो जाने वाले और हो। क्या सच में WWE ड्रू मैकइंटायर का क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर एक ग्रैंड इंट्रेंस का प्लानिंग कर रही है? WWE कौन कौन से रेसलर का इंट्रेंस का प्लान करे क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर, तो ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा, मैं सारी बातों को कवर करूंगा। तो सबसे पहला न्यूज निकल कर आ रहा है सेना बेजलर और लिव मॉर्गन के मैच को। आप सबको पता होगा इन दोनों का मैच क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर WWE वुमेन्स चैंपियनशिप बेल्ट के लिए हो रहा है। और कमाल की बात है इस मैच का बैटिंग ऑर्डर भी निकल कर हमारे सामने आ चुका है। तो बैटिंग ऑर्डर के अनुसार इस मैच को जीतने का स्टील फेवरेट लिव मॉर्गन है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इस मैच के अंदर कुछ और भी होने वाला जो कि है शार्लेट फ्लेयर का इंटरफेरेंस इस मैच के अंदर। आप सबको पता ही होगा शार्लेट फ्लेयर कुछ दिन पहले WWE से इंजर्ड होकर गई थी, तो प्रोबेबली ये माना जा रहा है शार्लेट फ्लेयर का इंटरफेरेंस होने वाला इस मैच के अंदर। और ऐसे भी यार आपको पता ही होगा शार्लेट फ्लेयर हमेशा से WWE में मेन टाइटल के अंदर ही रहती है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस मैच को कौन जीतेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। हमारी अगली अपडेट निकल कर आती है डू ड्रॉप के बारे में। तो इन्होंने ये बताया है WWE क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर बहुत बड़ा कुछ करने वाला, जो इस बार WWE करने वाली है सच में बहुत ही बड़ा होगा WWE। और ऐसा भी देखा जाए तो WWE क्लैश ऑफ द कार्सल 30 साल बात कर रहे हैं UK के अंदर। और आपको अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी 65,000 से ऊपर टिकट बिक चुके हैं WWE का, जो कि इतना अपीयरेंस रेसलमेनिया में नहीं होता लोगों का। तो कुछ ना कुछ WWE को तो बड़ा करना ही होगा यहां। हमारी अगली अपडेट आ रही है ड्रू मैकइंटायर को। ड्रू मैकइंटायर के अनुसार क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर ड्रू मैकइंटायर ही जीतने वाले हैं। उन्होंने ये बात बोला, रोमन रेंज बहुत अच्छा रेसलर है मुझे पता है, पर अब टाइम आ गया रोमन रेंज से चैंपियनशिप बेल्ट लेने का, अब वो WWE के साथ पार्ट टाइमर हो चुका है। अब देखो बोलने के लिए तो ड्रू मैकइंटायर भी बोल रहे हैं और रोमन रेंज भी बोल रहे हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है इस मैच। वैसे एक अपडेट है आपके लिए, अगर आपको नहीं पता है क्लैश ऑफ द कार्सल किस टाइम होने वाला किस डे होने वाला, तो हम ऑलरेडी आज एक वीडियो पोस्ट कर दिया उसके ऊपर। हाँ जिन लोगों को नहीं पता है क्लैश ऑफ द कार्सल सो हम लाइव कैसे देखें उसका भी जुगाड़ कर दिया हम उस वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख भी सकते हैं। वैसे इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि रोमन रेंज और ड्रू मैकइंटायर मैच का फर्स्ट बैटिंग ऑर्डर भी निकलकर सामने आ चुका है। हमारी अगली अपडेट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं USA नेटवर्क आजकल WWE से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आपको पता है मंडे नाइट रॉ USA नेटवर्क के ऊपर और आजकल मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप 2.1 मिलियन क्रॉस कर रहा है। और मुझे तो पर्सनली एक ऐसा टाइम याद आ जाता है जिसमें मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप 1.5 मिलियन के करीब होता था। तो बस ये एक अपडेट था, USA नेटवर्क बहुत ज्यादा ही खुश है ट्रिपल एच पे क्योंकि अब मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप फाइनली बहुत अच्छा आने वाला है। हमारी अगली अपडेट जायरो न्यूज की तरफ से निकल कर आ रही है। तो जायरो न्यूज के अकॉर्डिंग WWE ड्रू मैकइंटायर का बहुत लंबा एक इंट्रेंस प्लान कर रही है। जी हाँ, ऐसा इंट्रेंस जो की काफी लंबा होगा, जैसे आपने पास्ट में अंडरटेकर का इंट्रेंस आपने देखा होगा। इससे भी ज्यादा कमाल की चीज ये है इस बार पहले इंट्रेंस रोमन रेंज करेंगे, उसके बाद ड्रू मैकइंटायर करेंगे। और हाँ आपको तो ऑलरेडी पता भी होगा कि उनका पुराना थीम सॉन्ग भी आने वाला तो है। देख लो यार WWE पूरा कोशिश कर रही है ड्रू मैकइंटायर को जिताने के लिए और पूरा हाइप भी कर रही है। अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जुड़ी हुई है टाइसन फ्यूरी को लेकर। जिन लोगों को नहीं पता है टाइसन फ्यूरी के बारे में उनको बता दूं, ये बहुत बड़े एक बॉक्सर है। ऑलरेडी WWE के अंदर क्राउन ज्वेल के अंदर इनका 2-3 साल पहले आई थिंक फाइट भी हो चुका है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। ये हाल ही कुछ ही मंथ पहले बॉक्सिंग से रिटायर भी हो चुके हैं, ये WWE में आने के लिए इच्छुक हैं। रिसेंट टाइम में ये स्पॉइलर आ रहा है कि टाइसन फ्यूरी शायद आ सकते हैं क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर WWE में। और मैं आपको बता दूं इनका कोई मैच के लिए WWE नहीं प्लान कर रहे, बस ये आकर कोई सेगमेंट देंगे या बस अपना एंट्रेंस करेंगे कुछ इसी वैसे तरह से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब मैच हुआ था ब्रॉन स्ट्रोमैन और टाइसन फ्यूरी के बीच में तो इस मैच में टाइसन फ्यूरी जीते। तुम्हारी अगली न्यूज निकल कर आ रही है मेरे फेवरेट आई थिंक आपके भी फेवरेट होंगे सैमी ज़ेन के बारे में। तो आपने पिछले मंडे नाइट रॉ में देखा था सैमी ज़ेन स्टील चेयर से नहीं मारे थे केविन ओवेंस, और इससे उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो गए थे, आप देखे भी होंगे। तो सैमी ज़ेन इसके ऊपर हाल ही में अपना रिएक्शन देते हुए, तो सैमी ज़ेन ने यह बताया है कि मैं जानबूझकर नहीं मारा था केविन ओवेंस, क्योंकि अगर मैं केविन ओवेंस को मारते हुए अगर रेफरी मुझे देख लेता तो मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता और इस मैच का विनर केविन ओवेंस हो जाते, और इस बात में कितना सच्चाई है आपको पता है। उसके बाद सैमी ज़ेन ने यह बताया कि मेरे और उसोस के बीच में अब सब चीज सही है और सेलिब्रेशन पार्टी हम लोग करने वाले हैं फ्राइडे के अंदर। एक और मैं आपको अपडेट बता दूं, शायद फ्यूचर में हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का एक टैग टीम भी हमको देखने को मिलेगा। तो भाई समझ लो बहुत ही जल्द सैमी ज़ेन धोखा देने वाले हैं उसोस को और वो केविन ओवेंस के साथ चैलेंज करेंगे उसोस को टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए और शायद ये जीत भी। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या उसोस के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट जा सकता है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ अगर अभी तक वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि जुड़ी है मॉन्स्टर एंड मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। अकॉर्डिंग टू इंटरनल रिपोर्ट WWE के PPV क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर शायद मॉन्स्टर एंड मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन आ सकते हैं और इसको लेकर वो यह अपडेट देते हैं लार्ज मॉन्स्टर इज कमिंग। और लार्ज मॉन्स्टर से हमें एक ही रेसलर का याद आता है जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, तो भाई देखो यह बात आप आंख मूंद कर मान लो कि 2-3 रेसलर का जरूर डेब्यू होने वाला है क्लैश ऑफ द कार्सल के अंदर। अब वो कौन कौन से रेसलर रिटर्न करने वाले हैं उसके लिए बस 2 दिन आपको वेट करना है। तो एक और छोटा सा अपडेट आपको यह दे देता हूं, क्लैश ऑफ द कार्सल का जितना भी मैच होने वाला है मैं हर मैच का रिव्यू 30 मिनट बाद अपने चैनल पर दे दूंगा। तो ये मैच रात में होने वाला है तो मैं रिव्यू रात में ही दे दूंगा, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अब चलते हैं हम आज के फाइनल रिपोर्ट के ऊपर। तो भाई देखो अभी जो करंट बैटिंग ऑर्डर निकल कर सामने आ रहे हैं रोमन रेंज और ड्रू मैकइंटायर के मैच को लेकर, तो इस मैच में अभी करंट फेवरेट है जीतने के लिए रोमन रेंज। अभी बैटिंग ऑर्डर के अनुसार करंट फेवरेट रोमन रेंज चल रहा है। तो भाई देखो ऐसा होगा या नहीं नहीं पता मुझे, अभी बैटिंग ऑर्डर और भी आना बाकी है, तो मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा, मैं हर रिपोर्ट आपको। और इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर बहुत सारा सरप्राइज है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो बस 2 दिन आपको वेट करना, उसके बाद क्लैश ऑफ द कार्सल
प्रीमियम लाइव इवेंट आ जाएगा। वैसे आज का सवाल बहुत कमाल का है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ड्रू मैकइंटायर के पुराना थीम सॉन्ग का क्या नाम है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको WWE का शो लाइव देखना, अगर आपको नहीं पता आप कैसे देख सकते, बस आज का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डेट एंड टाइम भी मेंशन किया और कैसे आप देख सकते हैं ये भी मैंने बताया। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब लोग कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता यार, और वीडियो को लाइक भी कर देना यार।